सेमेमन सोरेन और जेमेम अध्यक्ष शिबू सोरेन गोला के दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनका स्वागत किया गया। वहीं सीएम और गुरुजी ने शहीद स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और आशीर्वाद दिया। उसके बाद सीएम ने परिसंपत्तियों का भी वितरण किया और कई योजनाओं की सौगात क्षेत्रवासियों को दी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार ने की सौगातों की बरसात। सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन का दौरा। लुकैया ताल में मनाया शहीद सोबरन सोरेन का 64वां शहादत दिवस। शहीद सोबरन सोरेन को दी श्रद्धांजलि। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। गरीबी को मिटाना सरकार का संकल्प, सीएम। सरकार आपके द्वार का उठाए लाभ, सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर हर साल बरलंगा के लुकैया ताड़ में शहादत दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन रामगढ़ जिले के लुकैया ताड़ पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद सोबरन सोरेन का 64वां शहादत दिवस मनाया और शहीद सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि दी। हर साल इस दिवस में हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों का खून हम लोगों के रगों में है कि आज जहाँ हम लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर लोगों को, गरीबों को सहायता करते थे, आज उसी का रंग है, उसी का असर है कि आज सरकार यहाँ परिसंपत्ति बांट रही है। बाद में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री ने परिसंपत्तियां बांटी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में रोजगार की संभावनाएं अपार है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस योजना का लाभ सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने सरकार की अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी। नौजवान, किसान, मजदूरों के लिए कई योजनाएं चला रखी, लेकिन कहीं कहीं मुझे एक जानकारी मिलती है कि हमारे ग्रामीणों को उन योजनाओं का जानकारी ही नहीं रहता। इसलिए सरकार आपके द्वार का ये कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है, इसमें आप लोग जरूर हिस्सा लें, अपनी समस्या बताएं, आपकी समस्या का निदान स्थानीय समस्या है तो वहीं पर आपका समाधान हो जाएगा। अगर सरकार के स्तर का है तो वो सीधे हमारे तक आपकी शिकायत पहुंचेगी। इस दौरान धोती साड़ी योजना के तहत 10 रुपए में धोती साड़ी और स्वास्थ्य योजना के तहत मच्छरदानी का वितरण किया। इसके अलावा मछली पालन, पशुपालन, SHG ग्रुप महिला समूह के बीच के स्वरोजगार को लेकर करोड़ों रुपए की राहत सामग्री बांटी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े। सरकार का ये संकल्प है, हमारा भी ये संकल्प है। हमारा गांव देहात में आज भी गरीबी बहुत व्यापक रूप से, लोगों के बीच में हम लोग राशन कार्ड के माध्यम से राशन तो दे ही रहे थे, अतिरिक्त हमारी सरकार ने हरा राशन कार्ड बनाकर और भी गरीबों को राशन देने का काम प्रारंभ कर दिया। हम लोग सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए और मैं ये देखना चाहता हूं और मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे सरकार के 2 साल कार्य पूरे होते होते राज्य के हर बुजुर्गों को पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाए। सरकार का विजन गांव के विकास से सूबे के विकास का है। सरकार राज्य से गरीबी को मिटाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। निश्चय ही इस दिशा में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार एक मजबूत कड़ी है। न्यूज 11 भारत के लिए नेमरा से विपिन उपाध्याय के साथ मिथिलेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।